दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड हिस्ट्री के अंतर्गत जो पवार वंश का शासन है टिहरी रियासत के अंतर्गत या टिहरी रियासत के जो राजा रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से किया उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बनेंगे उनको बताया जाएगा। लास्ट वीडियो में हम जो है खुड़बुड़ा का युद्ध जो 14 मई 1804 को लड़ा गया था, 14 मई 1804 को, जिसमें जो इनका 54वें नंबर का पवार वंश का जो 54वें नंबर का शासक है प्रद्युमन शाह जो इस युद्ध में मारा जाता है, जिसमें गोरखों का शासन उत्तराखंड पर स्थापित हो जाता है। यानी कि इसमें हम डिवाइडेशन करें, इधर कुमाऊं इधर गढ़वाल, तो गोरखों ने कुमाऊं पर तो आक्रमण करके जीत लिया था, अब उन्होंने गढ़वाल पर भी अधिकार कर लिया है। अब अधिकार करने के बाद किस युद्ध में अधिकार किया, खुड़बुड़ा के युद्ध में 14 मई 1804 को इनको अधिकार मिला है, किनको, गोरखों को मिला है। शासन किसने कर रहा है, गोरखा सेना कर रही है, 1804 से लेकर 1815 तक शासन करेगी। तो इसके बीच में गोरखे शासन करेंगे और 1815 के बाद टिहरी रियासत का शुरुआत होगी। अब टिहरी रियासत को ये हिस्सा मिला कब उसके बारे में जान लेते हैं। आपको ध्यान होगा अक्टूबर 1814 को खलंगा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, खलंगा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और गोरखों का शासन यहाँ से उत्तराखंड से समाप्त हो जाता है। और अंग्रेज इस सुदर्शन शाह के साथ एक संधि करते हैं जिसके तहत ये बोलते हैं कि इसको जीतकर हम आपको दे देंगे, लेकिन उस संधि के तहत जो अंग्रेज हैं वो मुकर जाते हैं और अंग्रेज एक डिसीजन लेते हैं कि या तो आप हमें कुछ पैसे दीजिए, कुछ पैसे मतलब डिमांड रखते हैं सुदर्शन शाह के सामने 5 लाख रुपए की। अब सुदर्शन शाह 5 लाख रुपए नहीं दे पाता, जिसके कारण सुदर्शन शाह की मांग पूरी नहीं कर सका, यानी कि सुदर्शन शाह इनकी मांग पूरी नहीं कर सका। तब जो गढ़वाल था वो दो भागों में बट गया, एक तो गढ़वाल और एक टिहरी, खुद गढ़वाल मंडल दो भागों में बट गया, एक तो गढ़वाल और एक टिहरी। तो टिहरी वाले क्षेत्र मिला सुदर्शन शाह को और गढ़वाल पर शासन किया अंग्रेजों ने। किसने शासन किया, वहाँ चले गए अंग्रेज गढ़वाल पर। कितने कमिश्नर हुए इनके, 24 कमिश्नर नियुक्त होंगे 1947 तक। और इधर टिहरी में, तो जो टिहरी वाला क्षेत्र मिला है सुदर्शन शाह को उसमें कुल 6 राजा रहेंगे। 6 राजाओं में उनमें पहला राजा सुदर्शन शाह है। यदि पवार वंश के हिसाब से करें तो टोटल में नंबर में 55वें नंबर का है प्रद्युमन शाह के बाद। और यदि टिहरी रियासत में बात करें तो टिहरी रियासत में ये टिहरी का पहला राजा है। ठीक है, तो सुदर्शन शाह की अब बात करते हैं हम डिटेल में। तो 1815 से लेकर 1859 तक इनका शासन रहेगा सुदर्शन शाह का, टिहरी रियासत के पहले राजा हैं और गढ़वाल का 55वां शासक है। जो बैगट वंशावली चली आ रही है जिसमें हमने पवार वंश कवर किया है उसमें से फैक्ट्स आप देख सकते हैं। गढ़ राज्य का पुनः संस्थापक, क्योंकि गढ़वाल का पहला संस्थापक कनक पाल है और वास्तविक संस्थापक अजय पाल है और पुनः संस्थापक करने वाला सुदर्शन शाह है। सुदर्शन शाह टिहरी को राजधानी बनाता है 28 दिसंबर 1815 को, जो रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है 28 दिसंबर को, तब उन्होंने इसको राजधानी को बनाया था। अब टिहरी किन दो नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बसा हुआ है, जिसको गणेश प्रयाग भी बोलते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है भाभी जी, तो भागीरथी भिलंगना जी गणेश प्रयाग या टिहरी रियासत में आप देख सकते हैं टिहरी कहाँ बसा हुआ है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। राज तिलक के समय इसके राजगुरु नोटियाल थे जिन्होंने भिलंगना के तट पर इनका जो राज तिलक किया था। अब इनके द्वारा जो कार्य हैं या इनके समय में जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उनसे संबंधित फैक्ट हैं। 1820 में ब्रिटिश पर्यटक है मूर क्राफ्ट ने टिहरी की यात्रा की थी, सुदर्शन शाह को कार्यशील एवं बुद्धिमान बताया था। किसने, मूर क्राफ्ट ने। तो मूर क्राफ्ट कब आया, 20 में। तो क्राफ्ट किस में आया, 20 में, क्राफ्ट आया 20 में, ध्यान रखेंगे सुदर्शन शाह के समय आया। फिर 1823 में टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, सुदर्शन शाह ने कराया था 1823 में। टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त की प्लेलिस्ट में जो है वीडियो पड़ी है ट्रिक के साथ, आप वहाँ भी देख सकते हैं 1823 में। अब 1824 में रवाई परगना टिहरी में शामिल हुआ 1824 में। बाड़ाहाट जो प्रशस्ति है उसमें कलाविदों का शिरोमणि किसको बोला गया है, तो सुदर्शन शाह को बोला गया है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि इसने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। और जो टिहरी की प्रजा थी वो अपने राजा को क्या बोलती थी, तो बोलंदा बद्रिस बोलती थी। और जो भजन राय कवि है वो कहता है कि दृढ़ वचन वाला था कौन, सुदर्शन शाह। भक्त दर्शन राइटर बोलता है कि योग्य एवं प्रजावत्सल्य शासक है, कौन बोलता है, भक्त दर्शन। और चित्रकार अजब राम बोलता है दाता ज्ञाता सूरमा। शिव प्रसाद डबराल का ध्यान रखेंगे
विपत्ति में ना घबराने वाला तथा संपत्ति पर न इतराने वाला व्यक्ति कौन था? तो सुदर्शन साधा किसने बोला है? शिव प्रसाद डबरान ने बोला है। कला साहित्य की बात करें तो इसने संरक्षण दिया है चेतु मांडगू और मोलाराम तीनों को। तो चेतु मांडगू मोलाराम को संरक्षण देने वाला व्यक्ति सुदर्शन शाह है। मोलाराम के दो शिष्य कौन है? चेतु और मांडगू। मोलाराम के द्वारा सुदर्शन दर्शन कविता लिखी गई है जिसमें ये सुम कर्पण खसिया नर्प बताता है किसको? सुदर्शन शाह को। तो पुस्तक ध्यान रखने, सुदर्शन दर्शन किसकी पुस्तक है? मोलाराम की है। सुदर्शन शाह से प्रभावित होकर कुमाऊं में गुमानी पंथ मनोरथ तथा नेपाल में मोक्ष मंडल रजबार में गए थे। तो राज दरबार में कौन कौन थे? गुमानी पंथ रहता था, मनोरथ रहता था और नेपाल से मोक्ष मंडल, इसके राज दरबार में गए थे। सुदर्शन शाह धार्मिक, विद्या प्रेमी, कवि, साहित्य प्रेमी तथा हिंदी का संस्कृत ज्ञाता था। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ध्यान रखना है। सभासार नामक ग्रंथ ब्रज भाषा में इसने लिखा है जो 7 खंडों में है। ये सूरत नाम से कविता लिखता था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सूरत उपनाम से कविता लिखने वाला टिहरी रियासत का राजा कौन था? सुदर्शन शाह। शाह से सूरत, शाह से सुदर्शन शाह, और सभासार ग्रंथ भी सुदर्शन शाह का है। खुद को सूरत कवि ये बताता है। टिहरी राज्य की दो प्रमुख समस्या थी इसके समय, सकलाना के माफीदार और रवाई के जो है गोविंद बिष्ट। इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल से पूछे जाते हैं, आप एक बार इसको रिकॉल कर सकते हैं। क्या करना है रिकॉल में? शिवराम सकलानी है इधर, सकलाना विद्रोह जो 6 गांवों की जागीर चाहता है, और रवाई में आंदोलन होता है जो 3 गांवों की जागीर चाहता है, गोविंद बिष्ट है। 1835 में प्रथम ये जन आंदोलन करते हैं। अंग्रेजों द्वारा दोनों को 6 गांव और 3 गांव की जागीर दे दी गई और ये बंटवारे का विरोध कर रहे थे कुछ हिस्सा पाने के लिए। और भी हिस्सा चाहिए था जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, निर्णय दे दिया कि यदि आंदोलन किया तो जेल होगी, और तब जाके इन्होंने सुदर्शन शाह का विरोध बंद किया था। 1848 में जो त्रिखंडीय भवन का निर्माण है सुदर्शन शाह ने टिहरी में कराया था। त्रिखंडीय भवन का निर्माण कब हुआ? 1848 में, जिसको वर्तमान में पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। भवानी शाह प्रताप शाह के शासनकाल में राजाओं का आवास भी यही रहा है, तो आगे के राजा आएंगे उसमें ध्यान रखेंगे। नया दरबार का निर्माण 1880 में, 1848 में पुराना दरबार, 1880 में नया दरबार किसने कराया था? कीर्ति शाह ने, कीर्ति शाह ने। भूमिकर जो 1/8 भाग लेते थे, अन्य बताते कि 7/8 भाग नगद था। भूमिकर जो था वो 1/8 भाग लेते थे, और जबकि अन्य जो बताते हैं कि 7/8 भाग नगद के रूप में लेते हैं, उस टाइम के राइटर बताते हैं। 1857 की क्रांति के समय हेनरी रैमजे की सहायता किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। गढ़वाल का शासक कौन था उस टाइम? सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाग से रक्षा की थी, और आगे जाकर सुदर्शन शाह की जो मृत्यु होती है वो 6 जून 1859 को हो जाती है, यानी कि 1859 को तक जीवित है। तो 1857 की क्रांति के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? सुदर्शन शाह था। सकलाना विद्रोह तिहाड़ कर के विरोध में था और 1851 में होता, जिसका नेतृत्व बद्री सिंह असवाल कर रहे थे। अब मैं आपको राजाओं की ट्रिक याद करा देता हूँ। एक होता है सुबह प्रातः की नमस्ते, सुबह प्रातः की नमस्ते, सुदर्शन शाह पढ़ लिया आपने। बाद से भवानी शाह पढ़ेंगे आप, भवानी शाह अगला नंबर पे आ जाएगा, फिर प्रताप शाह पढ़ेंगे आप, फिर कीर्ति शाह पढ़ेंगे, फिर नरेंद्र शाह पढ़ेंगे, फिर मानवेंद्र शाह पढ़ेंगे। तो आपको सारे राजा हो जाएंगे, सुदर्शन शाह 1, भवानी शाह 2, प्रताप शाह 3, और कीर्ति शाह 4, नरेंद्र शाह 5, और मानवेंद्र शाह 6 अंतिम राजा। तो ये राजाओं का क्रम है। तो अब राजा कौन सा आ गया? टिहरी रियासत का सेकंड राजा है कौन? भवानी शाह है। गढ़वाल का 56वां राजा है। साधु पर्वती का राजा है, 12 वर्ष में शासन मिल जाता है, और सुदर्शन शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। तीर्थ यात्राओं और दान के लिए प्रसिद्ध है कौन? भवानी शाह। तो भवानी शाह के शासनकाल में 1860 में वनों का ठेका फेडरिक विल्सन को दे दिया गया था। अब हेनरी रैमजे ने 12 आना BC भू राज्य व्यवस्था लागू की थी किसके समय? भवानी शाह के समय। यानी कि टिहरी का सेकंड भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1861 में। 1823 में सुदर्शन शाह के समय पहला, 1861 में हेनरी रैमजे ने 12 आना BC भू राजस्व व्यवस्था जब लागू की तो टिहरी का सेकंड भूमि बंदोबस्त भी हुआ था। 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी प्राइमरी स्कूल की स्थापना भवानी शाह के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? देवप्रयाग में। अब इनकी मृत्यु 1871 में हो जाती है। इनका पुत्र होता है प्रताप शाह। अब उस प्रताप शाह के बारे में पढ़ते हैं। प्रताप शाह 1881 से लेकर 1886 तक शासन करता है। टिहरी राज्य का जो है 3रा है और गढ़वाल का 57वां है। सुधारों का सूत्रपात करता है कौन? प्रताप शाह। प्रताप शाह वही व्यक्ति है, इसके बारे में फैक्ट पूछा जा चुका है कि टिहरी रियासत का वह राजा जिसने अपने नाम से नगर बसाने की शुरुआत की। तो प्रताप नगर पहली बार इसी ने बसाया था, ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कार्य इसके यदि आपसे पूछे
तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? प्रताप शाह ने। प्रताप के काम है इसके सारे। प्रताप जूनियर हाई स्कूल 1883 में खोला। अब ये जूनियर हाई स्कूल 1891 में आगे चल के कीर्ति शाह के समय में बना, और 1940 में इंटर कॉलेज बना। 1940 में इंटर कॉलेज बना नरेंद्र शाह के समय। टिहरी को आदर्श नगर बनाने का प्रयास किसने किया? प्रताप शाह ने किया। राज्य का जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस था, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इसी के नाम से खोला गया। या आपको दूसरा ऑप्शन मिले तो सेमिनरी प्रिंटिंग प्रेस है, जो 1842 में, चेक कर लेंगे, द हिल्स उत्तराखंड की धरती से छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था, सेमिनरी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा द हिल्स। दास प्रथा का इसने अंत किया है, और गांवों में दलितों को भूमि दान दी है। टिहरी में सिफखाना दवा खाना खोला इसने 1876 में, और टिहरी में अस्पताल का निर्माण करा 1883 में। और इम्पोर्टेंट है, टिहरी का जो तीसरा भूमि बंदोबस्त है 1873 में प्रताप शाह ने कराया जूल पैमाइश से। तो प्रताप टेम्परेचर की एक इकाई होती है जूल, मात्रक होता है ना जूल, तो जूल पैमाइश पर प्रताप शाह ने भूमि बंदोबस्त कराया 1873 में। जैसे आप 273 सेल्सियस कैलविन में जोड़ते हो, वो भी ताप से संबंधित है, तो 1873 में। पहला आपको मैंने बताया 1823 में सुदर्शन शाह ने कराया, दूसरा 1861 में भवानी शाह ने कराया। सलाहकार बद्रीदत्त पेंसुली की सलाह पर पलटन फौज का निर्माण 600 सैनिक के द्वारा इसी के प्रताप शाह के द्वारा किया गया था। पुलिस विभाग की स्थापना टिहरी में प्रथम बार किसने की? तो प्रताप शाह ने। देखो, प्रताप ने पुलिस की स्थापना की। प्रताप ने किसकी स्थापना की? पुलिस व्यवस्था की। उसके बाद लक्ष्मुख अठेत एक सजग अधिकारी था जो रवाई प्रशासक था, ठीक है, और राय बहादुर की पदवी से सम्मानित प्रथम गढ़वाली था। रजबारियों ने इसको जहर देकर मार डाला था। लक्ष्मुख अठेत किसके समय में था? जो आपको ध्यान रखना है, प्रताप शाह के समय। टिहरी से मसूरी तथा टिहरी से श्रीनगर राजमार्गों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। इधर इसने मसूरी में विश्राम गृह का निर्माण कराया रास्तों में। तो आपको ध्यान रखना है, टिहरी से मसूरी में भी और टिहरी से श्रीनगर के समय जाते हुए विश्राम गृह का निर्माण किसने कराया? प्रताप शाह ने। टिहरी रियासत में 22 पट्टियों में बांटा गया था, और करदार या पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। कमिश्नर था जो उस टाइम ट्रेल, तो ट्रेल के द्वारा पटवारी के पदों की नियुक्ति की गई है। उस टाइम राजा कौन थे? टिहरी में प्रताप शाह थे। 22 पट्टियों में उन्होंने बांटा हुआ था टिहरी को। तो न्यायालय की स्थापना पर डाक व्यवस्था शुरू की गई, और कीर्ति शाह के समय चीफ कोर्ट कहलाए, और नरेंद्र शाह के समय हुजूर कोर्ट। यदि आपसे पूछे कि जो चीफ कोर्ट नामक न्याय व्यवस्था थी किसके समय थी? कीर्ति शाह के समय। और न्याय व्यवस्था या न्यायालय की स्थापना करने वाला पहला टिहरी शासक कौन है? प्रताप शाह है। और नरेंद्र शाह के समय इसको हुजूर कोर्ट बोला जाता था। तो बेगार प्रथा में ख़त्म कर दिया गया, जो विवाह प्रथा थी उसको भी, एक विशा प्रथा थी अन्न कर ना देने वाली, उसको ख़त्म किया। पाला प्रथा थी दूध घी कर वाली, इन सबको इसने, जो कुप्रथाएँ चली आ रही थी उन सबको ख़त्म किया। प्रताप शाह जो है प्रथम शासक जिसने राजधानी बदली, श्रीनगर से कहाँ लेके गया? प्रताप नगर। तो मैंने बताया ना आपको, प्रताप नगर को बसाने वाला पहला शासक प्रताप शाह है, जिसने पहली बार अपने नाम से नगर बसाया। तो इसने ग्रीष्मकालीन इसको राजधानी बनाया, 1877 में बसाया इसको। किस नदी के तट पर? जलकुर नदी के तट पर। इसके दरबारी कवि में कवि देवराज थे, जिसके द्वारा गढ़वाल राज्य वंशावली लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, कवि देवराज किसके दरबारी कवि थे? प्रताप शाह के। राज्य वंशावली किसके द्वारा लिखी गई? कवि देवराय के द्वारा लिखी गई है। प्रताप साहब की तीन रानियां, रानी गुलेरिया, जिनमें से महत्वपूर्ण है रानी गुलेरिया, जिनका मूल नाम है कुंदन देई। कीर्ति शाह इसके द्वारा पुत्र पैदा हुआ गुलेरिया के द्वारा, और एक विचित्र शाह, दो म्यूजियम है टिहरी में विचित्र शाह के नाम से। कीर्ति शाह प्रतापी राजा हुए इनके, और तीसरा पुत्र थे इनके सुरेंद्र शाह, इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता इतना खास। ये वही व्यक्ति है टिहरी रियासत में, इन्होंने इतना काम कराया कि जब इनकी मृत्यु हुई 6 फरवरी 1886 को, एक वर्ष तक टिहरी में शोक मनाया गया था प्रताप शाह के समय में। तो यहाँ तक तो हमने प्रताप शाह को कवर किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इन प्रताप शाह से आगे कौन आएंगे? देखो, सुबह प्राता की नमस्ते, प्राता की नमस्ते से आप ध्यान रखेंगे। सुदर्शन शाह पढ़ लिया, जो है भवानी शाह पढ़ लिया, प्रताप शाह पढ़ लिया, अगला पढ़ेंगे इनके पुत्र हैं जो कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। तो अब आपका टिहरी रियासत ख़त्म हो जाएगा।